विधानसभा चुनाव का शंखनाद बजते ही शहर में कांग्रेस की राजनीति के गलियारे में हलचल सी मच गई है, जिसके चलते अपनी अपनी उम्मीदवारी को प्रबल बताते हुए शहर के विधायक के रूप में अपना आवेदन जमा करना शुरू भी कर दिया गया है। राजीव भवन में आवेदनों की कतार सी लगी हुई है। आगामी विधानसभा चुनाव के तहत प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा सभी कांग्रेसियों के लिए अपनी अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करने रास्ता खोल दिया गया है, जिसके चलते दुर्ग शहर विधानसभा चुनाव विधायक पद के लिए अपनी उम्मीदवारी करने इच्छुक कांग्रेसी कार्यकर्ता सहित पदाधिकारियों ने आवेदन जमा करना शुरू कर दिया है और अपनी इच्छा जताना शुरू किया है। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा दिए गए तिथि के अनुसार 3 दिन के भीतर अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने समय सीमा रखी गई है, जिसके तहत अंतिम दिन दुर्ग के राजीव भवन में जन सैलाब का जमावड़ा उमड़ पड़ा। दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा, पिछड़ा आयोग के उपाध्यक्ष आर्यन वर्मा, दुर्ग नगर निगम के सभापति राजेश यादव और MIC प्रभारी ऋषभ जैन, एनी पीटर सहित 2 दर्जन से भी अधिक कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। इसी कड़ी में राजीव भवन पहुंचे विधायक अरुण वोरा ने पार्टी की रीति नीति पर चलते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है और उस प्रक्रिया के तहत मैंने भी दुर्ग विधानसभा क्षेत्र से आवेदन प्रस्तुत किया है। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, प्रजातांत्रिक पार्टी है। यहाँ पर हर एक कार्यकर्ता अपना आवेदन कर सकता है, लेकिन कार्यकर्ता इस बात का भी, मैं भी एक कार्यकर्ता होने के नाते यहाँ पर आवेदन करने आया हूँ। और जिसे भी पार्टी टिकट देती है उसे जिताने का काम कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से करती है। आज भारतीय जनता पार्टी का कहीं अता पता नहीं है, भूपेश है तो भरोसा है, भरोसा बरकरार है, भरोसे की सरकार है। जो स्लोगन चल रहा है, ये स्लोगन को उन्होंने चरितार्थ करके दिखलाया है। आज प्रदेश को विकास के ऊंचाइयों पर ले जाकर खड़ा कर दिया है और 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को लोगों ने देखा है और लोगों में उत्साह है, जोश है और फिर से भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, ये विश्वास हम सबको है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे साहब, इन सब का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा और हम फिर से भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। नहीं, ये मैंने पहले कह दिया, आप मैं जानता था आप ये प्रश्न करेंगे, इसलिए मैंने पहले कह दिया कि लोकतांत्रिक पार्टी है, प्रजातंत्र में हर एक कार्यकर्ता को आवेदन करने का अधिकार है और जिसे भी पार्टी टिकट देती है उसे जिताने का काम सबको मिलजुल कर करना पड़ता है और करते हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में अपनी उम्मीदवारी दर्शाते वरिष्ठ नेताओं सहित कार्यकर्ताओं ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया है, कांग्रेस पार्टी की दुर्ग शहर की राजनीति के गलियारे में काफी चर्चा आम हो रही है कि वर्तमान विधायक अरुण वोरा के खिलाफ 2 दर्जन से भी अधिक लोगों ने अपनी मंशा जताई है। अब देखना होगा कि किस तरह से प्रदेश कांग्रेस कमेटी दर्जनों मिल रहे आवेदन पर विचार कर वर्तमान स्थिति पर काबिज विधायक की उम्मीदवारी की राह आसान करता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, आदरणीय प्रियंका गांधी जी का है, इसलिए मैं लड़ने के लिए दुर्ग विधानसभा में उतर चुकी हूं। सर, मेरा मानना ये है कि हर किसी को लड़ने का अधिकार है, इसलिए मैं लड़ना चाहती थी, मेरी मंथा थी कि मैं लड़ूं और मैं लड़ रही हूं आज, और हर किसी का अधिकार है कि उसको फाइट करना चाहिए। अगर पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो सबसे पहले मैं गांधी परिवार, खड़गे जी, भूपेश जी, इन सब का मैं उनको प्रणाम करके सादर नमन करूंगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और उन्होंने मुझे टिकट दिया, क्योंकि मुझे मालूम है मैं अगर दुर्ग विधानसभा मैं अगर लड़ना चाहती हूँ तो मैंने अपनी पूरी तैयारी की है, मैंने अपना पूरा बैकग्राउंड तैयार किया है। मेरे पास जनता आए हैं, दुर्ग के गरीब से लेके पैसे वाले से हर एक तबके लोग आए हैं और हमको बोले हैं कि अब एक नया चेहरा चाहिए और उन्होंने ही मुझे उतारा है और मेरी दिल में भी था कि मैं दुर्ग विधानसभा फाइट करूँ। अभी छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हमें ये प्राप्त हुआ है सूचना कि विधानसभा चुनाव का जो प्रक्रिया है यहाँ से चालू हो गया है और आवेदन देना है, तो आवेदन ऊपर से ये आदेश है कि ब्लॉक अध्यक्षों के माध्यम से जाएगा आवेदन जिला अध्यक्ष के पास और जिला अध्यक्ष के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जाएगा। तो
पहली बार ऐसी व्यवस्था बनाए हैं जो निर्भीक हो के लोग अपना अपना आवेदन दे रहे हैं। मेरे ब्लॉक में अभी आज की डेट में 11 आवेदन आ चुके हैं, बाकी हमारे यहाँ 5 ब्लॉक हैं और 5 ब्लॉक में कितने आवेदन आए हैं वो शाम तक के जमा होगा तो पता चल जाएगा। देखिए, भाजपा है या जो दिगर पार्टी है उसमें और हमारे जो कांग्रेस पार्टी है उसमें यही अंतर है कि हमारे जो कांग्रेस पार्टी है वो एक प्रजातांत्रिक पार्टी है जो छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को भी महत्व देती है और उनका राय पहले लिया जाता है। जो ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी हैं उनको महत्व देना कोई माने छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ब्लॉक स्तर के जो पदाधिकारी हैं उसके पास आपको आवेदन जमा करना है और ब्लॉक स्तर के जो पदाधिकारी हैं, ब्लॉक का जो अध्यक्ष है वो अपना पहले अभिमत देगा, है ना, और उसके बाद वो लिस्टिंग करके अपने अभिमत सहित जितने भी आवेदन उनके पास आए हैं उनको जिला कांग्रेस कमेटी के पास जमा करना है। अब जिला कांग्रेस कमेटी का भी महत्व हमारे जो कांग्रेस पार्टी है उनने बढ़ा दिया है माने जब से माननीय भूपेश बघेल जी हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और आज तो मुख्यमंत्री हैं, तो हमारी जो शीर्ष नेतृत्व भी चाहे जो AICC हो या PCC हो उनने एक नियम बनाया है कि हमारा यहाँ विधायक प्रत्याशी का चयन होगा निम्न स्तर से जिसका आवेदन आएगा और जिस पर हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष जो अपना अभिमत देंगे उसको पैनल बनाना है 1, 2, 3। उसके बाद जितने भी आवेदन आए हैं सबको तो भेजना है उनको लिस्टिंग करके। पहली बार इतने आवेदन आ रहे हैं कि विधायक के रूप में लोग आवेदन कर रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे कि ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।